इंग्लिश बोलते समय हिंदी मीडियम स्टूडेंट को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो दिक्कत उनके सामने इतनी बड़ी होती है कि वो उस दिक्कत के कारण अपनी इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं, और वो दिक्कत है कि उनको उनके अनुरूप माहौल ना मिलना। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया होता है इंग्लिश सीखने का कि आपको वो माहौल मिलना चाहिए, यानी आपके साथ आपकी जो कन्वर्जन होती है इंग्लिश की, आप जो बोलते हैं सामने वाले को भी समझना चाहिए, और सामने वाला उसे समझ के ही जब रिप्लाई करेगा तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग अपनी जो बेहतर करते चले जाएंगे। तो गांव में यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को या फिर जो अक्सर गांव में रहने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ये माहौल नहीं मिल पाता, और वो इसी माहौल को ना मिलने के कारण वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग है वो छोड़ देते हैं, और इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आप इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ, और आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ कि बिना माहौल के कैसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि माहौल आपको खुद बनाना पड़ेगा, और आज मैं आपको माहौल बनाना बताऊंगा कि कैसे आप अपने माहौल को क्रिएट कीजिए जिससे कि आपको किसी की आवश्यकता ना पड़े, आप अकेले ही स्वयं से ही इंग्लिश बोलना सीख सकें। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या तरीका मैं बताने वाला हूँ जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में इंग्लिश स्पीकिंग करते समय आप अपना माहौल बना सकें। तो आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सेलेंस क्लास, और ऐसे ही वीडियो आगे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप बिना किसी की सहायता के, बिना किसी हेल्प के, बस उस तरीके को अपना कर उस मेथड को फॉलो करके ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बिना माहौल के इंग्लिश बोलने के लिए आपको करना बस इतना रहेगा कि आप जो भी काम करें, दिन भर में कोई भी काम करें, जो कुछ बोल कर रहे हो वो इंग्लिश में बोल कर करें, जो कर रहे हैं उसे इंग्लिश में बोल कर बताएं कि मैं काम कर रहा हूं, और ऐसे ही दिन भर बोले जाने वाले, दिन भर करने वाले जो काम होते हैं इन कुछ 70 से 75 सेंटेंस में लेकर आया हूं, और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई और सेंटेंस, कोई कार्य हो जो आप कार्य कर रहे हो लेकिन उसका मैं सेंटेंस नहीं बना के दिखा रहा हूँ, तो आप आइएगा कमेंट में मुझे बताइएगा कि सर ये सेंटेंस जो है इसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोला जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे इंग्लिश में किस प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारे सामने है कि मैं चादर बिछा रहा हूँ, तब कोई चीज़ आप कहीं पर बिछाते हैं, जैसे कहा कि चादर बिछा दीजिए या चटाई बिछा दीजिए या जमीन पर जो कालीन बिछा दीजिए या दरी बिछा दीजिए, कुछ भी बिछा दीजिए, जो कहीं पर कुछ बिछाने का कार्य हो रहा है तो वहां पे ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं कि मैं चादर बिछा रहा हूं, आई एम। अब यहां देखिए आई एम मैंने लिखा है, ये आई एम का जो कॉन्ट्रास्ट रूप है बोलते समय इसको आई एम बोला जाता है, आई एम, इसको मैंने पहले भी बता रखा है पहले वीडियो में ही, किसे आई एम ही आई एम बोलते हैं, आई एम, आई एम लेइंग द बेडशीट, आई एम लेइंग द बेडशीट। अब यहीं पर अगर चादर की जगह चटाई होती तो आई एम लेइंग द मैट, मैं कालीन बिछा रहा हूं, आई एम लेइंग द कारपेट, मैं दरी बिछा रहा हूं, आई एम लेइंग द कारपेट, यानी दरी को ही कारपेट कहते, कालीन को ही कारपेट कहते, क्लियर। अब आता है मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, मैं पौधों को पानी दे रहा हूं तो आई एम वाटरिंग, पानी देने का होता है मेरे सामने वाटरिंग द प्लांट्स। अब यहां पे प्लांट्स आए मतलब छोटे छोटे पौधे हैं, यदि आपको आप बड़े पौधे में पानी दे रहे हैं, वृक्ष में, पेड़ में पानी दे रहे हैं तो आई एम वाटरिंग द ट्री कर दे सकते हैं, कि बड़े पेड़ों को ट्री कहते हैं और छोटे पेड़ों को जैसा कि जानते हैं कि प्लांट्स कहा जाता है, तो आई एम वाटरिंग द प्लांट, मैं पौधों पर पानी छिड़क रहा हूं। अब छिड़कने का काम दो प्रकार से होता है, जैसे एक होता है कि जो अरे पिचकारी टाइप का आता है जिसे जो नाइन लोग लेकर बालों में पानी छिड़कते हैं उस टाइप का, तो बहुत से लोग उससे पानी डालते हैं, तो उससे जब पानी छिड़के तो आप उसके लिए स्प्रे लगा सकते हैं, और जब ऐसे हाथ से छिड़क रहे हैं पानी किसी के ऊपर, हाथ से किसी के इस तरह के पानी हाथ में लेकर पानी से छिड़क रहे हैं तो उसको स्प्रिंकल लगा सकते हैं, यानी कि मैं पौधों पर पानी छिड़क रहा हूं तो आई एम स्प्रिंकलिंग द वाटर ऑन द प्लांट, क्लियर, कि आई एम स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द प्लांट। इसी तरीके से अगर पेड़ पर पानी छिड़क रहे हैं तो ऑन द ट्री कर सकते हैं, मैं अपने बालों पर पानी छिड़क रहा हूं वही चीज कि आई एम स्प्रेइंग
आई एम स्प्रेइंग वॉटर ऑन माई हेयर, क्योंकि बालों का पानी छिड़कने का काम तो इससे स्प्रे से ही तो करते, मशीन से ही तो पानी छिड़कते हैं। तो आई एम स्प्रेइंग वॉटर ऑन माई हेयर, मैं अपनी आंखों पर छींटे मार रहा हूँ। अब छींटे मारना, जैसे चेहरे पर छींटे मार रहा हूँ, आंखों पर छींटे मार रहा हूँ, तो छींटे मारने को कहते हैं स्प्लैश, स्प्लैश कहते हैं। तो आई एम स्प्लैशिंग वॉटर ऑन माई आईज, क्लियर। आई एम स्प्लैशिंग वॉटर ऑन माई आईज, मैं गमलों में पानी डाल रहा हूं, मैं गमलों में पानी डाल रहा हूं। अब वहां पे पानी जो डाला जा रहा है वो पानी कैसे डाल रहे हैं? स्प्रे करना या स्प्रिंकल करना तो छिड़काव करना होता है, लेकिन पानी डाल रहे हैं, डालना कहीं पर कोई चीज उड़ेली जाती है, तभी तो डालना कहते हैं कि मैं पानी डाल रहा हूं, मैं कप में चाय डाल रहा हूं, तो मैं उड़ेल रहा हूं, उड़ेलने को कहते हैं पोर। तो क्या होगा, मैं गमलों में पानी डाल रहा हूं, आई एम पोरिंग वॉटर इन द, अब गमलों की इंग्लिश क्या होती है, गमले की इंग्लिश होती है पॉट, यानी कि गमलों में, यानी कि पॉट्स। आई एम पोरिंग वॉटर इन द पॉट्स, मैं गिलास में पानी डाल रहा हूं, वही चीज कि आई एम पोरिंग वॉटर इन टू द ग्लास, क्लियर। तो यहां पे देखिए कि इंटू का यूज करेंगे, इंटू का क्योंकि कोई बंद सरफेस में अगर कोई चीज डाली जाती तो मूविंग कंडीशन में होती है, तो यहां पर भी इंदा नहीं इंटू दा रहेगा, इंटू द पॉट। उसी तरीके से मैं कप में चाय डाल रहा हूं, तो आई एम पोरिंग टी इंटू द कप, क्लियर। आई एम पोरिंग टी इंटू द कप, तो मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूं, तो कढ़ाई की इंग्लिश क्या होती है, कढ़ाई की इंग्लिश होती है पैन, यानी कि पेन नहीं पैन, पेन की स्पेलिंग PEN होती है, पेन होता है, पेन मानी होती कलम, लेकिन जो PAN पैन, पैन का मतलब होता है कढ़ाई। तो मैं कढ़ाई में तेल डाल रहा हूं, तो आई एम पोरिंग ऑयल इनटू द पैन, क्लियर। ये कुछ सेंटेंस ऐसे थे जो आप रेगुलर करते हैं, लेकिन इनको जब भी करना शुरू कीजिए आप तो इंग्लिश में बोलिए, इन्हें इन्फॉर्म कीजिए सामने वाले को कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, और इंग्लिश में बोलकर इन्फॉर्म कीजिए, क्लियर। तो चलिए सेंटेंस को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते इसके कुछ और सेंटेंस लेते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ सेंटेंस और हमारे सामने आते हैं, जैसे कि मैं इशारा कर रहा हूं, मैं आंख मार रहा हूं, तो ये रोजमर्रा के बोले जाने वाले सेंटेंस है, तो इनको मैं जैसा लिखा रहा हूं वैसा आप याद कर लीजिए, और वैसा याद करके बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे मैं इशारा कर रहा हूं, तो आई एम जेस्चरिंग, आई एम जेस्चरिंग, या फिर मैं आंख मार रहा हूं, आई एम विंकिंग, आंख मारने का विंक होता है, तो आई एम विंकिंग, मैं जिद कर रहा हूं। अब जिद करने का क्या होता है, जिद करने का स्टबर्न होता है, आई एम स्टबर्न, तो स्टबर्निंग तो लिख नहीं सकते क्योंकि स्टबर्न तो ये हो जाएगा एक एडवर्ब है, तो यहां पे आप लिख लीजिए कि आई एम बीन, इसको बीन लगाएंगे और फिर स्टबर्न, क्लियर। मैं माफी मांग रहा हूं, तो मैं माफी मांग रहा हूं, तो माफी मांगने क्या होता है, अपोलोगाइज, तो आई एम अपोलोगाइजिंग, आई एम अपोलोगाइजिंग। मैं कुंडी लगा रहा हूं, कुंडी लगाना मतलब दरवाजे को बंद करना, कुंडी लगा देते हैं, तो मैं कुंडी लगा रहा हूं, तो आई एम, और कुंडी लगाने का पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था क्या होता है बोल्ड, कहीं पर आप कुंडी लगा रहे हो तो आप वहां पे बोल्ड लिखेंगे, आई एम बोल्डिंग। मैं बचा हुआ खाना फ्रिज में रख रहा हूं, तो आई एम रख रहा हूं पुटिंग, और फिर बचा हुआ खाना लेफ्ट ओवर फूड कहां पर, फ्रिज में, इन द फ्रिज, आई एम पुटिंग लेफ्ट ओवर फूड इन द फ्रिज। मैं दीवार का सहारा ले रहा हूं, कहीं पर आप कोई सहारा ले रहे हैं, जैसे कोई टिक कर खड़े हो गए कहीं पर, जैसे दीवार के सहारे हो गए, या कुर्सी के सहारे हो गए, या मेज के सहारे पर टिक कर खड़े हो गए, कहीं पर कोई सहारा ले रहे हैं, तो आप सीधा सा इसको लिखेंगे लीन, लीन ओवर, तो जैसे मैं दीवार का सहारा ले रहा हूं, तो आई एम
लीनिंग ओवर द वॉल, मैं दीवार पर सहारा ले रहा हूं, आई एम लीनिंग ओवर द वॉल, मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूं। चुराने क्या होता है, जी चुराना जैसे किसी काम करने के लिए, जैसे घर में कोई काम कह दिया गया, आपके पापा ने कह दिया, आपकी मम्मी ने कह दिया कि ये काम करो, तो कभी कभी ऐसा होता है काम करने का मन नहीं होता, सोचते किस तरह से बच के पतली गली से बाहर निकले, तो वहां पे उसको हम लोग कहते हैं काम से जी चुरा रहा है। तो जी चुराने की इंग्लिश होती है शिर्क, होती है शिर्क, हो जाएगा आई एम शिर्किंग द हार्ड वर्क, मैं मेहनत से जी चुरा रहा हूं, आई एम शिर्किंग द हार्ड वर्क, मैं शर्ट के बटन लगा रहा हूं, शर्ट के बटन लगाना हुआ, कोट के बटन लगाना हुआ, टी शर्ट के बटन लगाना हुआ, तो बटन लगाने का हम लोग लिखते हैं बटन अप, नहीं कहीं पर भी बटन अगर बंद कर रहे हैं, शर्ट के बटन बंद कर रहे हैं, कोट के बटन बंद कर रहे हैं, तो हम लोग बटन अप लिखते हैं, तो हो जाएगा मैं शर्ट के बटन लगा रहा हूं, तो आई एम बटनिंग अप द शर्ट, मैं शर्ट के बटन लगा रहा हूं, आई एम बटनिंग अप द शर्ट, मैं कांप रहा हूं। अब कांपना दो प्रकार का होता है, एक ट्रम्बल भी होता है, एक शिवर भी होता है। ट्रम्बल और शिवर में इतना होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर डर से कांप रहा है तो आप वहां पे उसे ट्रम्बल लिखेंगे, यानी जो फीलिंग होती है उससे कोई कांप रहा है, जैसे कहते डर रहा है ज्यादा, या कोई काम करने से अंदर से थरथरा रहा है तो वो अंदर की फीलिंग से डरता है, अंदर की फीलिंग से कांप रहा है, तो वहां पे आप लोग ट्रम्बल लिखेंगे। लेकिन अगर वहीं जो फिजिकली वो कांप रहा है, थरथरा रहा है, देखने में लग रहा है कि ये वास्तव में कांप रहा है, नहीं ठंड से कांप रहा है, तो आप शिवर लिखेंगे। तो मैं कांप रहा हूं, तो यहां पे आप कुछ पता नहीं लग रहा है कि कैसे कांप रहा है, डर से कांप रहा है कि ठंड से कांप रहा है, तो कोई भी लिख दीजिए, मैं कांप रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम शिवरिंग। यहां पे आप आई एम ट्रम्बलिंग भी लिख सकते थे, आई एम शिवरिंग या आई एम ट्रम्बलिंग, कुछ भी लिख दीजिए, या दोनों सही हो जाएगा, लेकिन इनको जैसा लिखा जा रहा है वैसा ही याद कीजिए। और जब ये काम आप करने के लिए, तो एक बार से इंग्लिश में जरूर बोलिए, इससे आपका बेस तैयार होगा। जैसा मैंने कहा गांव के बच्चों को बेस नहीं मिल पाता कि कोई उनसे इंग्लिश बोलने वाला मिले, तो उनको इस सेंटेंस से अपना बेस बनाना है, मिले भले कोई मिले ना मिले, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं आप उसे इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए। आप जब उसे इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे तो कोई आपके सामने इंग्लिश बोलने वाला हो चाहे ना बोलने वाला, लेकिन आपको पता रहेगा कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो इन सेंटेंस को जैसा लिखा जा रहा है वैसा याद कर लीजिए। चलिए लिखिए, इसके बाद कुछ और सेंटेंस है उसे भी मैं लेता हूं। तो एक कुछ सेंटेंस और है कि मैं आलू काट रहा हूं। अब यहां पे काटना जैसे हो गया, काटने के लिए दो तीन तरीका यूज होता है। अब कहां पे क्या तरीका होता है, जैसे कटिंग भी होता है, चॉपिंग भी होता है, स्लाइसिंग भी होता है, सब कुछ होता है। तो यहां पे मैं आलू काट रहा हूं, जैसे कोई चीज खाने की जब काटी जाती है तो वहां पे चॉप लिखा जाता है। मैं आलू काट रहा हूं, मैं सब्जी काट रहा हूं, टमाटर काट रहा हूं, मैं प्याज काट रहा हूं, तो चॉप लिखिए वहां पे, चॉप। वहीं पे अगर ये चीज आपको छीलने के आए तो पील ऑफ लिखेंगे। छीलने का कोई भी चीज हो, चाहे आलू छीलना हो, चाहे सब्जी छीलना हो, चाहे फल छीलना हो, पील ऑफ लगाइए। जैसे कहा गया कि मैं आलू काट रहा हूं, तो आई एम चॉपिंग, आई एम चॉपिंग द पोटैटोज। फिर मैं आलू छील रहा हूं, आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। अब यहां पर अगर मैं खीरा काट रहा हूं, तो खीरा जब भी काटा जाता है पतली पतली स्लाइसेस में काटा जाता है, और वो सलाद के लिए काटा जाता है, तो मैं खीरा काट रहा हूं, तो आई एम चॉपिंग नहीं लगाएंगे, अब यहां पर लगाएंगे आई एम स्लाइसिंग द कुकुम्बर, आई एम स्लाइसिंग द कुकुम्बर। मैं खीरा छील रहा हूं, छीलने का वही हो जाएगा कि आई एम पीलिंग ऑफ द कुकुम्बर। यहां पर तो इस तरीके से आप इसे कि आप जो काम कर रहे हो उसे रेगुलर बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। जो कर रहे हैं इनको आप यहां पे मैं लिख देता हूं, कोशिश करूंगा ज्यादा ज्यादा सेंटेंस में आपके लिए लिख दूं, लेकिन अगर कोई सेंटेंस अगर आपके पास है जो कि इंग्लिश यहां नहीं मिलेगी आपको, तो उसको आइएगा कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सेंटेंस की इंग्लिश चाहिए, निश्चित ही आपको सेंटेंस की इंग्लिश में वहां पर बना के दे दूंगा, जिससे आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। और फिर मैं ग्लास को उल्टा कर रहा हूं, अब कोई चीज उल्टा करना है, कोई चीज सीधा करना है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास कि अपसाइड डाउन,
अपसाइड डाउन, उल्टा कर रहा हूं तो अपसाइड डाउन, और फिर अगर सीधा करना है तो राइट साइड अप। तो यहां मैं ग्लास को उल्टा कर रहा हूं, तो आई एम टर्निंग द ग्लास अपसाइड डाउन, मतलब ऊपर जो सीधा रास्ता है उसको अपसाइड को डाउन कर देते हैं। अपसाइड डाउन, ग्लास उल्टा कर रहा हूं, मैं ग्लास को सीधा कर रहा हूं, तो आई एम टर्निंग द ग्लास राइट साइड अप। सीधी तरफ वाले को हम ऊपर कर रहे हैं, राइट साइड अप। उसी तरह से मैं किताब को उल्टा कर रहा हूं, तो आई एम टर्निंग द बुक अपसाइड डाउन। या मैं किताब को सीधा कर रहा हूं, तो आई एम टर्निंग द बुक राइट साइड अप। क्लियर। मैं नल खोल रहा हूं। अब यहां पर देखिए कि दो चीजें हो सकती हैं। आप लिख सकते हैं आई एम टर्निंग ऑन द टैप या आई एम टर्निंग द टैप ऑन। तो दोनों में कौन सा लिखा जाएगा? जब तक मैं लिखता हूं तब तक आप सोच के बताइए। आई एम टर्निंग द टैप ऑन। अब इसको मैंने इस तरह क्यों लिखा कि आई एम टर्निंग द टैप ऑन, आई एम टर्निंग ऑन द टैप क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों में अंतर है कि अगर मैं लिख देता आई एम टर्निंग ऑन द टैप तो मतलब मैं नल को खोल दे रहा हूं, ये नहीं कि खोल के उसमें से पानी निकालो, पूरा नल ही खोल ले जा रहा हूं। तो यहां पे हम टर्निंग ऑन द टैप नहीं लगाएंगे, नल को खोल के उसमें से पानी निकाला जा रहा है इसीलिए टर्निंग द टैप ऑन करेंगे कि मतलब नल में से खोल, नल की जो टोटी खोलकर हम पानी निकाल रहे। तो अगर टर्निंग ऑन लगा देते तो मतलब पूरे नल को ही खोल ले रहे हैं हम। उसी तरीके से मैं नल बंद कर रहा हूं, तो आई एम टर्निंग द टैप ऑफ। क्लियर। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं कि जिनको बोलकर आप इंग्लिश बोल, जिनको याद करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन इनको करने के लिए आपको मौके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही मौका बनाइए। जैसे मम्मी शाम को बैठी सब्जी काट रही है तो कहिए लाइक मम्मी आलू मैं काट देता हूं, तो आप उसे इंग्लिश में बोलिए कि मैं आई एम चॉपिंग द पोटैटोस। या आलू छीलने का काम आप खुद ले लीजिए, एक दो आलू छीले लेकिन ये दो एक सेंटेंस बार बार बोलिए कि आई एम पीलिंग ऑफ द पोटैटोस। या फिर ग्लास ले लीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, ग्लास को उल्टा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो उसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए कि मैं ग्लास को उल्टा कर रहा हूं, मैं ग्लास को सीधा कर रहा हूं। तो जो कार्य आप कर सकते हैं जिनके करने से आप इसे नल खोलने का काम कीजिए, आई एम टर्निंग द टैप ऑन नल खोल दीजिए, आई एम टर्निंग द टैप ऑफ नल बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, किताब ले लीजिए ग्लास नहीं मिल रहा है पढ़ रहे बैठ के, तो आई एम टर्निंग द बुक अप साइड डाउन, आई एम टर्निंग द बुक राइट साइड अप। इस तरीके से आप करके इसको भी बोल सकते हैं। तो आप इनको अपने आप मौके बनाइए, इस काम को करिए, जबरदस्ती करिए, और इस सब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते रहिए, जितनी जितनी देर करते रहिए उतनी देर इस सेंटेंस को बोलते रहिए। तो देखिए किस तरीके से आपके जबान पे आसानी से ये चीज याद हो जाएगी, तो आराम से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस देते हैं। तो आगे सेंटेंस है, मैं अलमारी में शर्ट डाल रहा हूं। तो अलमारी हिंदी में तो अलमारी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अलमीरा। तो आप कोशिश कीजिए अलमारी को अलमारी ना बोलकर अलमीरा बोलिए, इससे आपका जो इंग्लिश वर्ड है वो रेगुलर आपकी जबान पे रहेगा। तो अलमीरा बोलिए उसे, मैं अलमारी में शर्ट डाल रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम पुटिंग द शर्ट इन टू द अलमीरा। आई एम पुटिंग द शर्ट इन टू द अलमीरा, मैं अलमारी शर्ट निकाल रहा हूं। अब डालने का तो पुटिंग होता है, तो निकालने का होगा टेक ऑफ। कहीं से कोई चीज अगर निकाली जाती है तो आप वहां पे टेक ऑफ लगाइए। तो मैं अलमारी शर्ट निकाल रहा हूं, आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट फ्रॉम द अलमीरा। आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट फ्रॉम द अलमीरा।
और मैं अलमारी में कुछ टटोल रहा हूँ, ऐसे कुछ टटोलते नहीं, इसे आपको दिख नहीं रहा अलमारी के अंदर क्या है, आप हाथ डाले और कुछ ढूंढ रहे हैं उसके अंदर हाथ डाल के कि आपको जो चीज चाहिए वो आप टटोल कर निकाल रहे हैं। तो टटोलने की इंग्लिश एक अच्छी सी होती है ग्रोपिंग, आप टटोलने की इंग्लिश ग्रोप लिख लीजिए, ग्रोप GROPE ग्रोप, ग्रोप माने होता टटोलना। मैं अलमारी में कुछ टटोल रहा हूं, ये हो जाएगा आई एम ग्रोपिंग और फिर कुछ यानी कि समथिंग, कहां पे अलमारी में, इन द अलमीरा आई एम ग्रोपिंग समथिंग इन द अलमीरा। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहा हूं, तो कपड़े डालने क्या बताया है कि पुटिंग, तो यह हो जाएगा आई एम पुटिंग क्लॉथ, आई एम पुटिंग क्लॉथ कहां पे वॉशिंग मशीन में, इन टू द वॉशिंग मशीन। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इस क्लॉथ की स्पेलिंग देखकर, CLOTH कहीं पे लिखा देखते हैं, कहीं पे CLOTHE लिखा देखते हैं, और दोनों की इंग्लिश होती है कपड़ा, लेकिन दोनों में अंतर इतना होता है कि CLOTHE जहां आपको लिखा मिल जाए वहां पे आपको सिले हुए कपड़े की बात की जा रही होगी, सिले हुए कपड़े जो आप पहनते हो सिले हुए कपड़े, और CLOTH केवल लिखा मिल रहा है तो आपको बिना सिले हुए कपड़ों की बात की जा रही होगी, यानी दुकान में आप जाके कपड़ों की देखेंगे तो वहां पे CLOTH यानी क्लोथ वही लिखा रहेगा, लेकिन यहां पे अगर क्लोथ लिखा है क्लोथ तो ये चीज हम लोगों के लिए सिले हुए कपड़ों की बात की जा रही है। तो यहां पे देखिए क्लोथ लिखा गया है, मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रहा हूं, तो निकालने क्या रहा टेक ऑफ बताया था, तो आई एम टेकिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम द वॉशिंग मशीन। मैं कपड़े सुखाने डाल रहा हूं, तब जैसे कपड़े धोए कपड़े आपने वॉशिंग मशीन से निकाले तो सुखाने के लिए डालना है, तो सुखाने के लिए क्या डालना है आई एम पुटिंग, डालने के लिए क्या होता है पुटिंग होता है, आई एम पुटिंग द क्लोथ टू ड्राई। यहां पे कपड़े हो सकते हैं या कहा गया कि आप अपनी शर्ट सुखाने के लिए डाल रहे हैं, तो यहां पे क्लोथ की जगह पे आप शर्ट डाल सकते हैं, या घर में आपने गलती से पैंट छोड़ दी, पैंट में कुछ पैसे छूट गए और पैसे नोट भीग गए, तो भीगने के बाद उन्हें भी तो सुखाया जाता है, तो यहां पे नोट भी डाल देते हैं कि आई एम पुटिंग द नोट्स टू ड्राई। तो क्लियर, अब हो जाएगा मैं कपड़े उठा रहा हूं, अब जैसे सूखने के लिए डाले तो कपड़े सूख गए, तो सूखने के बाद उठाना भी तो पड़ता है जाकर, तो वहां पे मैं कपड़े उठा रहा हूं तो हो जाएगा आई एम पिकिंग अप द क्लॉथ, आई एम पिकिंग अप द क्लॉथ, मैं कपड़े उठा रहा हूं। फिर मैं सामान उठा रहा हूं, यानी कपड़े के साथ कुछ और सामान भी उठाना हुआ तो मैं सामान उठा रहा हूं या कुछ भी उठा रहा हूं तो हो जाएगा पिकअप, तो यहां पे हो जाएगा आई एम पिकिंग अप द स्टफ, मैं सामान उठा रहा हूं, कोई भी सामान हो सकता है, तो आई एम पिकिंग अप द स्टफ। क्लियर, मैं खाना चबा रहा हूं, तो चबाने क्या होगा च्यू, चबाने की इंग्लिश होती है च्यू, इसको आप देख लीजिए कि ये लिखा जाएगा CHEW और इसको पढ़ते हैं हम लोग च्यू इस तरीके, तो इसको च्यू ही बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं खाना चबा रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम च्यूइंग, आई एम च्यूइंग द फूड, आई एम च्यूइंग द फूड, कहीं कहीं पे च्यूइंग नहीं बोला जाता है, कहीं कहीं पे आपको बोला जाता है मैस्टिकेट, मैस्टिकेट माने नहीं होता है चबाना, यानी कि मैस्टिकेट इसका मतलब भी चबाना ही होता है, तो आप हो जाएगा कि आई एम मैस्टिकेटिंग द फूड, च्यू ना लगाकर आप मैस्टिकेट लगा दीजिए, ये न्यू वर्ड आया हुआ है इंग्लिश डिक्शनरी में, चबाने का मैस्टिकेट लिखा जाता है। अब मैं खाना निगल रहा हूं, निगलने क्या होता है, पहले वीडियो में आपको बताया निगलना, निगलना आप सब जानते हैं स्वालो, तो आई एम स्वालोइंग, आई एम स्वालोइंग द
फूड, मैं खाना निकल रहा हूं, आई एम सॉल्विंग द फूड, क्लियर। तो ये चीजें आप लोग बोलते रहिए और सीखते रहिए। चलिए से नोट कीजिए। तो आगे सेंटेंस है, मैं नाश्ता कर रहा हूं। नाश्ता कर रहा हूं मतलब जैसे कोई चीज खा रहे हैं या पी रहे हैं आप, तो वहां पे आपको लिखना है हैवी, कि मैं नाश्ता कर रहा हूं या मैं खाना खा रहा हूं या मैं लंच कर रहा हूं या मैं डिनर कर रहा हूं, तो आप उसको हैविंग लगा सकते हैं। मैं नाश्ता कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आई एम हैविंग द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट यहां पर कुछ खा रहे हो अगर, कुछ भी पी रहे हो और उसी में आप कुछ कहना तो हैविंग लगाइए वहां पे, कि मैं बिस्किट खा रहा हूं तो आई एम हैविंग बिस्किट्स। फिर मैं पानी पी रहा हूं तो आई एम हैविंग वॉटर। लिखा के मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, आई एम हैविंग कोल्ड ड्रिंक। मैं चाय पी रहा हूं, आई एम हैविंग टी। तो इस तरीके से अगर कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं और वहां पे आपको बोलना है खाने पीने का, तो हैविंग लगाइए। मैं जूते पहन रहा हूं, मैं जूते पहन रहा हूं, या मैं शर्ट पहन रहा हूं। तो इस तरीके के जब सेंटेंस आ जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप लगाएंगे पहनने के लिए पुटिंग ऑन। पुटिंग ऑन या पुट ऑन, जैसे आई एम पुटिंग ऑन द शूज, आई एम पुटिंग ऑन द शूज, या फिर आई एम पुटिंग ऑन द शर्ट, या फिर कहा गया आई एम पुटिंग ऑन कोट, या आई एम पुटिंग ऑन जैकेट, जो आप पहन रहे हो, आई एम पुटिंग ऑन पैंट, तो जो भी आप पहन रहे हो, तो उसके लिए पहनने के लिए आप पुटिंग ऑन का यूज कीजिए, क्लियर। मैं जूते उतार रहा हूं, अब जैसे पुटिंग ऑफ पहनने का होता है पुटिंग ऑन, तो उतारने के लिए वही होगा टेकिंग ऑफ। टेकिंग ऑफ, तो आई एम टेकिंग ऑफ द शूज। इसी तरीके से मैं शर्ट उतार रहा हूं, आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट, आई एम टेकिंग ऑफ द सॉक्स, आई एम टेकिंग ऑफ द कोट। तो इस तरीके से आप उतारने के लिए टेक ऑफ का यूज कर दे कर सकते हैं। अब आगे मैं सब्जी बना रही हूं, कोई चीज खाने पीने वाली जब भी बनाई जाए तो वहां पे ज्यादातर आप कुक का यूज कीजिए, क्योंकि कुक ही पकाने की इंग्लिश होती है, और बनाने जो खाने पीने वाली चीज जब भी बनाई जाती है पकाई ही जाती है, तो कुक का यूज कीजिए। मैं सब्जी बना रही हूं तो आई एम कुकिंग द वेजिटेबल। अब यहां पे कुकिंग द वेजिटेबल हो जाएगा, लेकिन यहां पे आप लोग जब यूज करना चाहे तो मेक का भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा, मेक भी यूज कर सकते हैं कि आई एम मेकिंग द वेजिटेबल, मैं सब्जी बना रही हूं। हाँ, इसी ध्यान रखिए कि यहां पे सब्जी की जगह पे आपको राइस भी हो सकता है, दाल भी हो सकती है, चपाती भी हो सकती है, या और कोई डिश हो सकती है जो पकाई जा रही हो। ये ध्यान रखिए कि जब भी कच्ची होगी दाल, जब दाल दुकान से खरीदेंगे तो वो फल्स पीसी जाएगी, लेकिन जब भी वो बनाई जाएगी तो हिंदी में उसे दाल ही लिखेंगे, इंग्लिश में भी उसे दाल ही लिखेंगे। यानी कच्ची दाल को हम लोग पल्स लिखते हैं और पकी हुई दाल को दाल ही लिखते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आई एम कुकिंग वेजिटेबल, या आई एम कुकिंग दाल, आई एम कुकिंग राइस। मैं अपने लिए जूस बना रही हूँ, जूस जूस तो पकाया जाता नहीं, जूस तो बनाया ही जाता ना, तो यहाँ लिखिए आई एम मेकिंग जूस फॉर myself, आई एम मेकिंग जूस फॉर myself, मैं अपने लिए जूस बना रही हूं। मेकिंग यहां पे इसीलिए यूज किया गया क्योंकि जूस पकाया जाता नहीं, जूस बनाया ही जा रहा है। मैं बर्तन धो रही हूं, तो हो जाएगा कि बर्तन धोने का, जो धोने का क्या होता है वॉश होता है, तो यहां पे हो जाएगा आई एम वॉशिंग द। अब बर्तन के लिए दो इंग्लिश यूज की जाती है, पहली होती है डिश यानी डिशेस, और दूसरी होती है यूटेंसिल्स। तो आप जो मन कहे वो यूज कीजिए, कि डिशेस यूज कर सकते हैं आई एम वॉशिंग द डिशेस, या फिर द यूटेंसिल्स, कोई भी यूज कीजिए, द डिशेस या यूटेंसिल्स। मैं आटा गूंथ रही हूं, अब गूंथने का क्या होगा, गूंथने के लिए आपको मैंने पहले भी इंग्लिश दे रखा है, लेकिन फिर जान लीजिए नेट, नेट का मतलब हो गूंथना, तो मैं आटा गूंथ रही हूं तो आई एम नेडिंग द फ्लोर। बहुत सारे स्टूडेंट से गलत करते हैं, तो फ्लोर पढ़ देते, फ्लोर माने होता है फर्श, तो इसको जब या पी आर डबल ओ आर लिखा रहे तब इसे आप फ्लोर पढ़े,
लेकिन अगर एस एल ओ यू आर लिखा है तो इसे आप फ्लोर पढ़ेंगे, फ्लोर, क्योंकि फ्लोर माने फर्श होता है, फ्लोर माने होता है आटा, तो इसे आप फ्लोर पढ़ेंगे। क्लियर। मैं पानी की बोतल भर रही हूं। अब बोतल देखिए यहां हिंदी शब्द है, लेकिन आपको बोतल के लिए कोशिश ये करनी, इससे अलमारी के लिए मैंने बताया था कि अलमीरा बोलिए, वैसे बोतल के लिए बॉटल ही बोलिए। तो यहां पर हो जाएगा मैं पानी की बोतल भर रही, तो आई एम फिलिंग द वॉटर इन टू द बोतल। अब इनटू का यूज इसीलिए क्योंकि इनटू का यूज आप देखेंगे प्रीपोजिशन जब आप पढ़ेंगे जाकर, तो प्रीपोजिशन क्लास में मैंने आपको साफ साफ बताया कि इन और इनटू के में क्या डिफरेंस होता है। इतना जान लीजिए कि कोई भी बंद सरफेस में कोई चीज अगर मूविंग कंडीशन में है तो वहां पे हम लोग इनटू का यूज करते हैं। ज्यादा डिटेल में जानना है तो प्रीपोजिशन की क्लास जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, प्रीपोजिशन को डिटेल में पढ़ लीजिए, तो वहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर। तो अभी इन सारे सेंटेंसेस को जैसा लिखा है वैसा लिखिए और वैसा ही उन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि अगर वैसे ही याद करेंगे तभी आप उनको वैसे ही बोल पाएंगे और रेगुलर बोलना शुरू करेंगे तभी आपकी जबान पे इंग्लिश आएगी। और ये सेंटेंस जो मैं बार बार कहता हूँ पहले वीडियो लेक्चर से ही, कि आपको इन सेंटेंसेस को सोचना नहीं है, जोर से उच्चारण करके बोलना है कि सामने वाला अगर कोई है तो वो भी सुन सके कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं। केवल सोचेंगे तो कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे जब तक आप इसे जोर से उच्चारण करके बोलेंगे नहीं। अब इतना जोर नहीं कि माइक लगाया पूरे गांव को पूरे मोहल्ले को सुना रहे हो कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, इतना बोलो कि सामने वाला आपसे सुन सके, लेकिन बोलो, आवाज बाहर निकाल के बोलो। तो जब भी जब ये कार्य करना शुरू करोगे तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। तो चलिए इसे पहले नोट कीजिए और फिर कुछ सेंटेंस है और लेता हूं मैं। अब आते हैं कुछ और सेंटेंस है कि मैं मेकअप कर रही हूं, मैं काजल लगा रही हूं, इस तरीके से। तो मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया आपको कि अपने ऊपर कोई चीज अगर लगानी हो तो आप वहां पे लगाने के लिए अप्लाई का यूज कीजिए। तो मैं मेकअप कर रही हूं तो ये हो जाएगा आई एम अप्लाइंग, आई एम अप्लाइंग मेकअप। अपने ऊपर कुछ भी लगाना हो, जैसे मैं काजल लगा रही हूं तो क्या हो जाएगा आई एम अप्लाइंग काजल। काजल को इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही काजल ही कहते हैं, क्या आई एम अप्लाइंग काजल। मैं चेहरे पर क्रीम लगा रही हूं, यानी चेहरे पर क्रीम लगाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा अप्लाई, तो हो जाएगा आई एम अप्लाइंग क्रीम ऑन माय फेस। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे कि माई क्यों लिखा गया है, मेरा तो लिखा नहीं होता। तो चेहरे पर क्रीम लगा रही हूं, इस सेंटेंस का सेंस ही निकलता है कि अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही हूं, तो माई लिखने से कोई गलत नहीं होने वाला, मेरा लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन एक सेंस निकल रहा है कि मैं अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही हूं। क्लियर। तो आई एम अप्लाइंग क्रीम ऑन माई फेस। मैं अपने बालों में तेल लगा रही हूं तो क्या हो जाएगा आई एम अप्लाइंग ऑयल इन माय हेयर, आई एम अप्लाइंग ऑयल इन माय हेयर। मैं अपने दांतों में ब्रश कर रहा हूं तो ब्रश करना पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि सुबह सुबह उठे तो क्या क्या कीजिए, तो ये जाएगा आई एम ब्रशिंग माय टीथ, आई एम ब्रशिंग माय टीथ। मैं दाढ़ी बना रहा हूं तो आई एम शेविंग, आई एम शेविंग। मैं पूजा कर रहा हूं तो आई एम वर्शिपिंग, आई एम वर्शिपिंग। मैं घाव में मरहम लगा रहा हूं, अब शरीर पे देखिए मरहम लग रहा है, घाव खुद के है ना, तो शरीर के ऊपर लगाया जा रहा मरहम, तो ये जाएगा कि आई एम अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं मरहम। मरहम को इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट। और कहां पर घाव में, यानी कि ऑन द उंड, उनका मतलब हुआ घाव, कि मैं घाव पर मरहम लगा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन द उंड। क्लियर। मैं अपने बच्चे को सुला रहा हूं तो क्या हो जाएगा कि सुला रहा हूं, तो यह हो जाएगा आई एम पुटिंग माई चाइल्ड स्लीप,
मैं अपने बच्चे को सुला रहा हूं, आई एम पुटिंग माई चाइल्ड स्लीप। मैं घड़ी उतार रहा हूं। अब यहां पे घड़ी है, हाथ से घड़ी उतारने वाले की बात नहीं हो रही, यहां पे वो चीज बात हो रही कि दीवार से कोई चीज उतारी जा रही है, दीवार पे कोई तस्वीर लगी हुई, कोई पेंटिंग लगी हुई है, या कोई घड़ी लगी हुई है, या दीवार पे कुछ भी लटका हुआ है, अगर आप उसे उतार रहे हैं तो ये किस टाइप के सेंटेंस होंगे? इससे मैं घड़ी उतार रहा हूं, मैं पेंटिंग उतार रहा हूं, या फिर मैं फोटो उतार रहा हूं, कि हो जाएगा कि आई एम टेकिंग डाउन, उतार रहा हूं, टेकिंग डाउन कहां से? घड़ी उतार रहा हूं, आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉक, द क्लॉक। दीवार घड़ी को जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि दीवार घड़ी को क्लॉक ही कहा जाता है, तो मैं घड़ी उतार रहा हूं, आई एम टेकिंग डाउन द क्लॉक। क्लियर? तो इन सेंटेंस में नोट कीजिए, फिर और कुछ सेंटेंस है उसे मैं लेता हूं। पहले कुछ सेंटेंस है कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो मैं ऑफिस जा रहा हूं तो जाएगा कि आई एम गोइंग टू ऑफिस। अब ऑफिस की जगह को दूसरा वर्ड भी हो सकता है कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं लखनऊ जा रहा हूं, कुछ भी हो, तो यहाँ ऑफिस की जगह वो चीज लाके रख दीजिए कि मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। या फिर मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, ऑफिस से निकल रहा हूं मतलब आप वहां ऑफिस में छुट्टी हो गई, अब वहां से आप निकल रहे हैं, तो हो जाएगा कि आई एम लीविंग द ऑफिस, मतलब मैं अब ऑफिस छोड़ रहा हूं। या फिर मैं दिल्ली से निकल रहा हूं, आई एम लीविंग दिल्ली। मैं कानपुर से निकल रहा हूं, आई एम लीविंग कानपुर, कि मैं कानपुर अब छोड़ रहा हूं, बाद में मिलेंगे, कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हो जाएगा कि आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं खींच रहा हूं। अब खींचने का जैसे कहते नहीं है कि कोई कोई काम करते हैं और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और वो काम आपको पसंद भी नहीं आता, मतलब कोई होता है कि से आपसे बातें कर रहा है और उसको आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अंदर से अंदर ही अंदर फुटते रहते हैं, खींचते रहते हैं कि इसको जवाब, मजबूरी में आप उसको जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आपको उसकी बातें पसंद भी नहीं आती है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, खींचने लगते हैं अंदर से, कोई दूसरा बोलता है तो आप फ्रस्ट्रेटेड होकर अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं, उसी को कहते हैं मैं खींच रहा हूं, कि आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मैं खींच रहा हूं। मैं समय देख रहा हूं, तो मैं समय देख रहा हूं, देखने के लिए तीन वर्ड यूज होते हैं, वॉच, लुक और सी। तो सी कोई सीनरी देखना हुआ, कोई जैसे कोई अच्छी सी क्या कहते हैं सीनरी, गए कहीं पर किसी समुद्र किनारे गए, पहाड़ किनारे गए, या झरने के किनारे गए, पहाड़ पर गए, तो वहां की जो सीनरी होगी उसे देखने को हम लोग सी लगाएंगे। लेकिन मैं घड़ी देख रहा हूं, एक तरह से एग्जामिन कर रहा हूं, तो मैं समय देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग द टाइम, मैं घड़ी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग द टाइम। या फिर अगर यही होगा कि इसी में मूवी देख रहा हूं, तब भी वही वॉचिंग लगाएंगे कि आई एम वॉचिंग द मूवी। कोई चलती हुई चीज आप देख रहे हैं तो आप वॉच लगाइए, इसी जो लगेगा वो सीनरी के लिए लगेगा, कोई अच्छे से प्राकृतिक चित्रण के लिए आप सी लगाएंगे, लेकिन कोई चलती फिरती चीज अगर आप देख रहे हैं तो आप वॉच वहां पर लगाइए। मैं तुम्हें देख रहा हूं, किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं, तब वहां पर लगाइए लुक, आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, कि आई एम लुकिंग एट यू। फिर मैं तुम्हारा ग्रह कार्य देख रहा हूं, तब ग्रह कार्य कोई देख, ऐसा तो है नहीं कि कोई ग्रह कार्य देखा जा रहा है, वैसे ग्रह कार्य जैसे कहा गया कि एक टीचर एक स्टूडेंट ग्रह कार्य देखता तो कल ही देख के तो हटा नहीं देता, उसे चेक करता है, तब यहां पे मैं तुम्हारा ग्रह कार्य देख रहा हूं, तो हो जाएगा कि आई एम चेकिंग योर होमवर्क, आई एम चेकिंग योर होमवर्क, यानी ग्रह कार्य को चेक किया जा रहा है। मैं मजाक कर रहा हूं, ये अक्सर सुनने को मिलता है फिल्मों में भी कि मैं मजाक कर रहा हूं, इसकी इंग्लिश आप रेगुलर सुनते होंगे शायद, मैं जानते हो कि आई एम जस्ट किडिंग, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम किडिंग हो गया। मैं मेज घसीट रहा हूं, तो घसीटने का होता है ड्रैग, कोई भी चीज कहीं से भी अगर घसीटी जा रही तो आप ड्रैग लगाइए, तो यह हो जाएगा कि आई एम ड्रैगिंग द टेबल,
मैं मेज घसीट रहा हूं, I am dragging the table. मैं मजे कर रहा हूं, मैं मजे कर रहा हूं, तो जाएगा कि मजे करने, आई एम हैविंग फन. क्लियर? तो आई एम हैविंग फन, मैं मजे कर रहा हूं. तो उम्मीद करता हूं कि इस सेंटेंस में जो एक्सप्लेन किया मैंने आपको चीज समझ में आ गई होगी. तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ के और सेंटेंस लेते हैं. अब अगला सेंटेंस ये है, मैं बोर हो रहा हूं. मैं बोर हो रहा, कुछ भी काम करते करते होते हैं कि आप बोर हो जाते हैं, वो करने को मन नहीं करता है. तो अब वहां पे बोलिए कि मैं बोर हो रहा हूं, तो यह लगेगा कि आई एम गेटिंग बोर्ड. आई एम गेटिंग बोर्ड. देखिए एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहे हैं कि इसे आई एम बोलना है. आई एम बोलना है बोलते समय, आई एम नहीं बोलना, इसे आई एम बोला. ये पहले भी वीडियो के शुरू में रिमाइंड करा था, फिर रिमाइंड करा रहा हूं कि इसे आई एम ही बोलना बोलते समय. मैं ज्यादा सोच रहा हूं तो आई एम ओवर थिंकिंग. आई एम ओवर थिंकिंग, मैं ज्यादा सोच रहा हूं. वक्त मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, याद नहीं कर रहा हूं. याद करना तो क्या होगा, मिस. मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, आई एम मिसिंग यू. मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, आई एम मिसिंग यू हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं तो हो जाएगा कि आई एम रिमाइंडिंग. आई एम रिमाइंडिंग. मैं ढोंग कर रहा हूं, यानी कोई भी ढोंग कर रहा हो तो ढोंग करने क्या होता है, दिखावा. यानी जो है नहीं आप उसका दिखावा करें, या कोई जो है नहीं उसका दिखावा करे, तो यानी कि वो बनावटी दिखा रहा अपने आपको. तो मतलब वहां पे हो जाएगा प्रिटेंडिंग. आई एम प्रिटेंडिंग, मैं ढोंग कर रहा हूं. मैं शर्मा रहा हूं. शर्मा रहा हूं मतलब से कुछ काम करके, जो तो नहीं कि लड़कियां शर्माती, कोई काम कर, कोई ऐसा काम कर दे कि सामने वाला आपको उस काम की याद दिलाए, तो आप उस समय शर्मिंदा अपने आपको महसूस करते, शर्माते हैं. तो यह हो जाएगा कि आई एम फीलिंग शाई. आई एम फीलिंग शाई, क्योंकि शाई जो है इसमें आई एन जी हम नहीं जोड़ेंगे. जब शाई फील कराना हो, कहीं पे कोई शर्मा रहा हो, तो फील शाई लगाते हैं. तो इसीलिए फील में हमने आई एन जी जोड़ा कि आई एम फीलिंग शाई. मैं बेसब्र हो रहा हूँ. बेसब्र का मतलब होता है कि जैसे कि कुछ भी जानने के लिए, अब जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, अब उनको सब्र नहीं रह गया, जैसे इतने दिन वेट कर लिया, एक दो दिन का समय बचा, उसमें सब्र नहीं, बेसब्रे हो रहे हैं. या कोई रिजल्ट, क्या कोई कुछ भी आपके लिए आने वाला है, से पापा ने फोन करके कहा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी घड़ी ला रहा हूं, और जब उन्होंने बता दिया घर के लिए चल दिए, तब आप बेसब्रे हो गए, बार बार पापा कब आ रहे हैं, पापा कब आ रहे हैं, तो वो बेसब्री होती है. तो मैं बेसब्र हो रहा हूं, ये हो जाएगा आई एम गेटिंग इंपेशेंट. मेरे अंदर सब मेरे, आई एम गेटिंग इंपेशेंट. मैं अपना दिन खराब कर रहा हूं, मतलब जो कुछ काम कर रहे हो तो आप उससे काम, आपका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कोई परिणाम नहीं निकल रहा. तो कहते नहीं मैं अपना दिन, मैं अपना समय खराब कर रहा हूं, मैं अपना दिन खराब कर रहा हूं, तो हो जाएगा कि आई एम स्पॉइलिंग माय डे. मैं अपना दिन खराब कर रहा हूं, स्पॉइलिंग माय डे. मैं बातें कर रहा हूं, किसी से कोई बातें कर रहा हो तो क्या हो जाएगा कि आई एम टॉकिंग. मैं बातें कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग. मैं घूमने जा रहा हूं, तो घूमने जा रहा हूं तो क्या हो, कुछ इंग्लिश बोल के निकले, तो आई एम गोइंग फॉर अ वॉक. मैं घूमने जा रहा हूं, गोइंग फॉर अ वॉक. मैं कहानी सुन रहा हूं, मैं कहानी सुन रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम लिसनिंग स्टू. तो क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. ये लगभग 80 सेंटेंस हो गए हैं, तो इन 80 सेंटेंस को आप लिखिए और वर्ड बाय वर्ड जैसा आप मैंने लिखाया है वैसा उन्हें याद कीजिए, वह याद करके बोलने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि बोलेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश बोलना सीख नहीं पाएंगे. तो एक बार उनको जब भी याद कर लीजिए तो जोर जोर बोलने की कोशिश जरूर कीजिए. तो चलिए सेंटेंस नोट कर लीजिए. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है, और उम्मीद करता हूं कि ये सारे सेंटेंस आपने नोट कर लिए होंगे, क्योंकि सेंटेंस नोट करके जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला. और एक बार याद करके जब आपने बोलना शुरू कर दिया तो आप अपने घर वालों पे, अपने मोहल्ले वालों पे एक अच्छा सा प्रभाव डाल सकते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है.
और बिना किसी बेस के। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बेस नहीं उनका उनके पास होता, कि उनके पास सामने बात करने वाले नहीं होते हैं कि वो बात करके अपनी इंग्लिश को सुधार सके। तो कोई बात नहीं, बात करने वाले ना रहे, लेकिन आपके पास आप तो हैं, आप जो कार्य कीजिए बोलिए और रेगुलर इस तरह से बोलते रहेंगे तो कभी ना कभी आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर जब इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपसे इंग्लिश में बात कर सके, तब आप उनसे अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और रेगुलर बेस पे आप लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और जहां पर तो मैं हूं ही, आप लोगों को इंग्लिश आगे बताता रहूंगा, कई सारे वीडियो लेक्चर आएंगे जिसमें मैं आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। हर एक चीज पे ध्यान करके मैं आपको बताता चलूंगा कि इंग्लिश बोलते समय क्या क्या चीजें आवश्यक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में खूब शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फ्री है, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाला बटन दबाइए और साथ ही साथ घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे मेरा वीडियो लेक्चर जैसे ही अपलोड हो वैसे आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।